स्पेशल थाली और यू वांट नॉर्मल फूड, यू शुड गेट नॉर्मल फूड. थाली इज नॉर्मल फूड ओनली. नहीं नहीं, मतलब एक एक करके मंगा लेते हैं. ये हो गया पनीर भुर्जी एंड वन दाल एंड रोटी, क्या हो गया. Why are you so restless? Thank you. What are you doing? Chalo, let's go. अच्छे से करना, उधर रह गया थोड़ा. Hey all you awesomely blossomy people, welcome back to my channel. Very first video of 2020. Happy New Year to you all. Alright, so why I was not filming or uploading content on my channel, khair उन बातों का भी कोई फायदा नहीं है. बट येस, आई एम बैक विद द व्लॉग एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली. यस, सो वी आर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड अ वेडिंग. इट्स माय हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली. एंड आई थॉट दैट आई शुड व्लॉग, सो दैट्स व्हाई. एंड वी जस्ट हैड आवर डिनर. क्या ढूंढ रहे हो? We just had our dinner and we thought ki we'll have paan. So let me know how many of you like having paan, meetha paan, khatta paan, tambaku wala paan, whatever sort of paan you like to have. And this is quite nice. Yeah. Hey guys, so we are in Gurgaon and अभी हम जा रहे हैं झज्जर, right? थोड़ा नहीं, झज्जर. झज्जर. रो झज्जर. झज्जर. झज्जर जा रहे हैं, हरियाणा में है जो कि ये. और हम एक हरियाणवी वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं जो कि मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है. एंड हम बोले तो That's Bulbul. That's my husband. And that's me. It's like a small family trip we are having. So, and that's my look. अभी जाएंगे, सबसे पहले engagement है, उसके बाद we let you know. I don't know, हम लोग सब पहली बार हरियाणवी wedding attend कर रहे हैं, right? Yes. Right? Yeah. Are you excited? Very excited. It's your friend's wedding. अरे रुक जा, अभी तो लोग मिले नहीं हमको. Whatever. So yeah. And the lipstick what I'm wearing is this. This is the ColourPop one. Jaggi maine is insaan se mari hai. So that is the shade which I'm wearing. Creeper is the shade. Yeah. Ummi apna introduction do. To mere vlog ka hissa ho. Acha. Hello everyone. Sahi mein? Tum star ho mere is vlog ke. तो फिर थोड़ा सा वो करके करेंगे, फिर पकड़ो इसको. अभी नहीं, कब? बाद में. ये ट्रेलर है? तुम तो रेगुलर बेसिस पे करती हो, हम लोग क्या है कभी कभार वाले, थोड़ा रिहर्स कर लेंगे उसके बाद. ओहो, ये ऐसा करोगे? अच्छा, भौजाई को प्रणाम करो पहले. प्रणाम भाभी जी, प्रणाम. हाँ तो ये लो, तो आप सभी की जानकारी के लिए ये जो हम फ्रूट खा रहे हैं इसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कमरक बोला जाता है. और नॉर्मली ये स्टार फ्रूट ना. हाँ जी, स्टार फ्रूट. पर इतना ज्यादा खट्टा नहीं. ओके, लेट मी टेस्ट. गिव मी. नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है. हां, कूल है ये. नॉर्मल है ये. गुड, नॉट बैड.
ये ऐसा है वरुण, पकड़ो ना इसको यार। पे लकड़ी के बुरादे में जो गरम नहीं करा था उसको चाट लिया है। मसाला सुन, मेरे को लगा चूरन टाइप होगा। चूरन कौन सा? व्हाट वुड यू टॉकिंग अबाउट? अपीयरेंस व्हाइट कलर, व्हाइट कलर सब टूस है। बोलो बताओ क्या अपीयरेंस? अपीयरेंस वाइज व्हाइट, गोरा है, लाइक यू सी वाटरी, लॉट्स ऑफ वाटर। दिखता कैसा है ये? दिखने में, दिखने में गोरा है। वरुण ने खाना है, मैं बता रहा हूँ कैसा। मैंने खाना है। अरे वो ऐसे होता है चीकू की तरह, ना चीकू मैन, चीकू पर व्हाइट होता है वो, और वो टेस्ट अबे वो टेस्टलेस होता है एकदम। तू पागल आ गया यार, चीकू जैसा होता है वो। अबे टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। अच्छा गिव मी दैट आलू, मीठा आलू, उसका कोई स्किन नहीं होता। हां, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वो विदाउट स्किन होता है। हमने डायरेक्टली तुम उसको खा सकते हो, जैसे कि एप्पल। हां नहीं, एप्पल का भी तो सिर्फ तो पील कर ही सकते हैं ना, उसकी कोई स्किन ही नहीं होती है। मतलब क्या, कैसे बताऊं? हाँ, स्ट्रॉबेरी की तरह, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी बट विदाउट एनी टेस्ट। छिलका निकालते हो तो वैसा दिखेगा। इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ये डिस्क्रिप्शन में बताया वैसे दिखता है, ये कैलकटा में मिलता है। ये ब्लॉग में डालने वाला है, बताइए नहीं वही बोला। हां कितने खुश हो बताओ? खुश तो ज्यादा नहीं होंगे, और ये जाएगा ब्लॉग में देखने लो। अरे इनको बैक कर। हेलो, क्या हो गया? ये ऊपर ही है यार, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रॉम द कॉकटेल पार्टी, बड़ा लंबा दिन था। अभी मॉर्निंग में हम जब पहुंचे यहाँ पे, मॉर्निंग आफ्टरनून में पहुंचे, इंगेजमेंट थी और उसके बाद कॉकटेल पार्टी थी। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि आई वेयर अ नाइस साड़ी एंड ऑल ऑफ दैट, बट बड़ी ठंड है सो हाँ, जो मैंने पहन रखा था बस उसके ऊपर और जैकेट पहन लिया, एंड या दैट्स व्हाट आई डिड। एंड अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो माय असिस्टेंट लॉ इज वॉचिंग बिग बॉस, Big Boss fan. Somewhat I don't know. I like Big Boss उस time तक जब तक वो entertaining होता है, like actual में when people are not fighting, मतलब पागलबंदी कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तब तक ठीक है। बट जब वो लड़ने लग जाते हैं ना, मुझे literally में इसमें सर दर्द हो जाता है, और मतलब I just can't bear it, I just can't take it. But
My mom, she is fond of watching Big Boss, so because of her, मुझे देखना पड़ता है. And now she is watching, so I am watching. Yeah, थोड़ा सा interest भी आ रखा है अभी कुछ दिनों से. Let me know if you watch and what do you think about it. I don't want to know who's your favorite contestant because that's completely your choice. But let me know if you also watch. Okay, now about the cocktail night. पार्टी अदर थिंग वॉज यू गाने गाने बजते हैं ना तो जब मैं हिमाचल जाती हूँ और जब मैं यहाँ आई इट वॉज हरियाणवी शादी इट इज हरियाणवी शादी सो सारे हरियाणवी गाने बज रहे थे एंड मुझे कोई भी समझ में नहीं आ रहे थे बट एक गाना था जो मैं जानती थी जिसके लिरिक्स मुझे आते थे और शायद आप लोगों को भी आते हो जो हरियाणवी नहीं है इज दैट सॉन्ग मन पल 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 याद तेरी तड़पावे हाय सो दिस वन तो मुझे ना एकदम से एक क्लिक हुआ कि जब मैं हिमाचली वेडिंग लाइक अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो वहां पे मुझे सिर्फ एक गाना आता है विच इज रुण जाना मेरी अम्मी ये रुण जाना हो रुण जाना मेरी अम्मी ये रुण जाना हो तो मुझे वो ही आता है तो वो जब गाना बजता है तो मैं बड़ा एंजॉय करके बिकॉज मैं जब डांस करती हूँ तो आई लाइक कि मुझे वो सॉन्ग के लिरिक्स पता हो ताकि मैं लिपसिंग कर पाऊँ गा सकूँ और साथ में डांस कर सकूँ सो वो चीज़ वही सेम चीज़ वहाँ पे होती है कि बाकी गाने बजते तो मुझे मतलब आई डांस बट इतना समझ में नहीं आता पर व्हेन देयर इज रुणू जाना तो इमीडिएटली मेरे को एकदम से आता है हाँ दिस आई नो सो आई स्टार्ट सिंगिंग अलोंग एंड आई डांस एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड दैट दिस वन क्या कहते हैं पल पल याद सतावे छे जो भी था गाना एक और गाना मुझे पता था विच वॉज जाटा का छोड़ा Alright, right now I'm just going to get rid of this makeup on my face. So guys, I just removed my eye makeup with these wipes. So these are the facial wipes by Clino Wipes. It's their charcoal detox and purifying facial wipes. So now generally when I travel, I prefer to carry these wipes because कौन carry करे the cotton and the solution separately. It is a lot of task. So that is the reason why I prefer to carry these wipes and this lipstick. Oh my god. And kab se laga rakhi hai. It stays for quite long, huh? Alright, so yeah. Got rid of this lipstick. Oh my god. And yeah, these are the wipes which I use, which I'm currently using. I use it when I travel, like I said, because it's travel friendly. And मैंने अगर आपने शुरू में देखा हो तो मैंने eye makeup लगा रखा था. And ये जो मैंने wipe है, if you can see, I'm putting in my eyes also, and there is no burning sensation and no irritation, and it is very good. Like my skin, it doesn't irritate my skin. It doesn't make my skin dry because generally अगर आपने देखा होगा तो जितने भी वाइप्स होते हैं इट कंटेन्स एल्कोहल बट दिस वन इज एल्कोहल फ्री सो उसकी वजह से दैट बर्निंग थिंग सेंसेशन इज नॉट देयर एंड इट डजंट ड्राई ऑफ योर स्किन दैट इज अ वेरी गुड थिंग सो दैट व्हाट आई लाइक एंड व्हाई डिड आई चूज दिस डिटॉक्स वन बिकॉज आई हैड अ लॉन्ग डे एंड यू नो हम लोग सुबह से निकले हुए थे देन अभी रात हो गई धूल मिट्टी भी होते हैं गाँव में यू नो सो दैट इज द रीजन व्हाई आई थॉट दैट आई शुड यूज दिस वन एंड इफ यू कैन सी इंस्टेंटली माई स्किन has this glow if you can tell and agar aapne dekha I had good amount of eye makeup and with this just one wipe I've used theek hai everything is gone so yeah that's what I like about these wipes and yeah for now I'm just going to sleep now I'm going to change and sleep bahut thak gaya hu so kal milte hain okay